ओम शांति। 26/2/2021 आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी युद्ध को माना क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्मभिमानी बन बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीत है, जिसका साथी है भगवान। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आत्मविमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा है, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा, आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान, सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। कहते हैं, इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ देह समझते हैं, तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते। जरा भी मनुष्यपन की बदबू न हो, देही अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हो, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। स्लोगन, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार है। ओम शांति।